सभी को नमस्कार। इस पार्सल की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या आया है इस पार्सल में। तो ये पार्सल मुझे जीके कार्ड की तरफ से मिला है और इसमें डेफिनेटली कॉमिक बुक्स हैं। कौन कौन से कॉमिक बुक्स वो देख लेते हैं। इस तरीके से ओपन हो चुका है। ये काफ़ी अच्छी पैकिंग करते हैं जितेंद्र जी की टीम जो है। वो शायद कुछ बिग साइज़ ही कॉमिक्स हैं, पैकेट में हटा दिया है। और इसके नीचे जो बटर ये पेपर साइज को बिठा देंगे तो थोड़ा जो है क्लीन हो जाएगा सब कुछ। चलिए इसको हटा देते हैं, साफ़ सुथरा हो जाएगा सब कुछ। काफ़ी गर्मी हो गई है। बहुत गर्मी है भाई। इसमें है कुछ बिग साइज, काफ़ी बिग साइज कॉमिक्स है। इतने सारे कॉमिक्स हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तोसी का, अच्छा ठीक है। तोसी जो कि सबको पता है कि तुलसी कॉमिक्स का कैरेक्टर है, जिसको राज कॉमिक्स ने इसके राइट्स खरीद लिए थे शायद 2017-18 के आसपास। और राज कॉमिक्स के विभाजन के बाद में मनोज गुप्ता जी ने तोसी के बहुत सारे रिप्रिंट्स निकाले हैं। और मैंने भी बहुत सारे बुक कर रखे हैं, मतलब सारे ही रिप्रिंट मैं बुक कर चुका हूँ, जिनमें से तोसी के 6 सेट आ चुके हैं। और ये एक तोसी का बिग साइज का सेट है। 2 सेट्स हैं, अच्छा 2 सेट्स हैं। ये सेम सेट 2 बार होगा। काफ़ी अच्छी बढ़िया प्रिंटिंग क्वालिटी में, और इसके साथ में एक नोवल्टी थी, ये भी इसको बुक कराने के काफ़ी बड़ा कारण रहा होगा। तो ये जो है तोसी के स्टैंडिंग है, मतलब एक तरीके का मैग्नेट स्टिकर टाइप का आप मान सकते हैं इसको। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्टैंडीज अनबॉक्स करे थे। देखिए जैसे ये अंगारा का एक स्टैंडिंग यहाँ रखा हुआ है, तो और इसी के मैग्नेट स्टिकर भी अनाउंस हो गए हैं सेम प्राइस में। मतलब इसको नीचे डिस्क सी होती है, उस पर फिट हो जाता है, तो उसको इंस्टेंटली बोलते हैं। और अगर पीछे मैगनेट की स्ट्रिप लगा दो तो मैगनेट स्टिकर कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस ये होता है कि आपका जो स्टैंडी होता है उसमें आपको दोनों तरफ मिरर जैसी प्रिंटिंग, मतलब मिरर इमेज जैसी प्रिंटिंग मिलती है। तो इसको एक निकालते हैं, साइज देखते हैं कि ये स्टैंडी कैसा लगेगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बिग साइज़ स्टैंडी, बहुत बढ़िया क्वालिटी का। और राज कॉमिक्स ने ही शुरुआत करी है स्टैंडीज देने की, पहले संजय जी ने शुरुआत करी है, फिर मनोज जी ने उसको फॉलो करा है, और काफ़ी काफ़ी सारे पब्लिकेशन उसको फॉलो कर रहे हैं। और लेकिन डेफिनेटली मनोज गुप्ता जी ने जो क्लासिक आर्ट वगैरह का यूज़ किया है बेस्ट, G18 कॉमिक्स है ये, बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब क्लासिक आर्ट है, नॉस्टैल्जिया है इसमें, और ऐसा लगता है स्टैंडी। ये रहा एक और स्टैंडी। तो ये सेट काफ़ी क्लासिक था, बहुत पसंद था मुझे। और जोसफ भाई जिनका मैं जिक्र कई बार करता हूँ अपने वीडियोज़ में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं इसके 2 सेट लूँ, क्योंकि ये रिप्रिंट किया है मनोज गुप्ता जी ने, बट अगर रिप्रिंट नहीं किया होता तो काफ़ी मुश्किल था ये मिलना। तो उन्होंने बोला कि मुझे इसके 2 सेट लेने चाहिए, तो मैंने उनकी सलाह मानी और अच्छा किया मैंने। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। मनोज गुप्ता जी रिप्रिंट के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखते कौन कौन सी कॉमिक्स इसके अंदर है। तोसी के पुत्र का नामकरण संस्कार, तो ये रैंडम कॉमिक्स है। तोसी की मैंने बहुत कम कॉमिक्स पढ़ी हैं। पाताल सम्राट तोसी का जो संग्राहक संस्करण था वो मैंने पढ़ा था। और अब तोसी के ना 10 सेट्स यानी कि 10 सेट आ चुके हैं, और 2 बिग साइज के सेट आ चुके हैं, मतलब अनाउंस हो चुके हैं। उनमें से ये एक बिग साइज़ का सेट है, और आज ही मैंने वो ऑर्डर किया है। मतलब तोसी सेट 7, 8, 9, 10 मुझे अच्छे से याद है, मैंने आज ही जीके कार्ड पर ऑर्डर किया है। 6 सेट तक मेरे पास है ऑलरेडी, वो अनबॉक्सिंग्स अवेलेबल है मेरा कलेक्शन में शेयर किया। टाइम नहीं है पढ़ने का अभी, कुछ इंटरव्यू वगैरह है, बिजी था। तोसी द ग्रेट ये भी सिर्फ अनबॉक्सिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पार्सल आ गया, तो करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के, सच में काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे। ये बुक्स एक्चुअली बिग साइज़ में आई थी या नहीं आई थी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, हो सकता आई हूँ, नहीं भी आई थी तो अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा फील हो रहा है सच में इनको। क्या है इंडिविजुअल, अच्छा 250 रुपये, 250 रुपये एक का प्राइस है। अदर पब्लिकेशन भी सेम टाइप की प्राइसिंग को कर रहे हैं उस, तो भी मैंने राज कॉमिक्स की प्रिंटिंग वगैरह जो है इनकी नॉवल्टी देने का तरीका है वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। पढ़ेंगे इनको, मैं ज़रूर तोसी को ज़रूर पढ़ूंगा, पढ़ना है मुझे तोसी को। लेकिन एक बार इंटरव्यू से फ्री हो जाऊँ थोड़ा सा, फिर क्रिटिकल टाइम में काफ़ी सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं इंटरव्यू में, और काफ़ी सालों बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इतने मंथ से जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, रिटर्न पास वगैरह किया है, तो
काफ़ी मेहनत लगी है उसमें, तो मैंने क्यों ना थोड़ा इसको कैजुअल ना लेकर के थोड़ा सीरियसली तैयारी की जाए, तो थोड़ा इसलिए मैं बिजी हो गया। तो सेम वही कॉमिक्स है, ट्रिपल टी ये कॉमिक्स है और डबल कॉपी में है। ट्रिपल टी है तो डबल कॉपी में हो गया। G18 की वापसी मैंने आपको अभी दिखाया था। G18 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर है, और ये जो मनोज गुप्ता जी की जो सर्पसत्र सीरीज चल रही है नागराज की, जो अनुपम सिन्हा जी चित्रांकन कर रहे हैं उसमें, उसमें भी ये करेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है G18। और तब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मुझे कैरेक्टर के बारे में। जगदीश कुमार जी अपना तोसी का कलेक्शन शेयर करते रहते हैं फेसबुक पे, अनुपम सिन्हा जी ने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन मनोज कुमार जी ने मतलब बहुत ही मतलब काबिल तारीफ उन्होंने काम कराया कि जितना जिस स्पीड से बुलाए हैं, न सिर्फ नागराज ध्रुव, मतलब सब कुछ एक एक बैलेंस अप्रोच रहा है मनोज गुप्ता जी का। मतलब स्पीड जो उनकी प्रिंट की है, क्वालिटी है, और ठीक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन रखा उन्होंने, और हम सब के कलेक्शन पूरे कराए। जैसे मैं तोसी का मैंने कभी भी संग्रह नहीं किया, मेरा तोसी की एक भी कॉमिक्स नहीं थी, सिर्फ नाम सुना हुआ था। और आज की डेट में मैंने सेट 10 पूरे बुक कर लिए और बिक्सा जी दोनों सेट बुक किए, और आई होप मुझे लगता है ऐसा कि मेरे पास तोसी का एक कम शायद ये 10 के बाद में कंप्लीट कलेक्शन हो जाए। मुझे नहीं पता हो सकता अब कितना बचा है, अगर मनोज जी के जो रिप्रिंट अनाउंस हुए वो कंप्लीट कलेक्शन है तो मेरा हो जाएगा कंप्लीट कलेक्शन। तो ये हर कॉमिक्स डबल टाइम इसमें है और सही अच्छी कंडीशन में मुझे सारी सारी प्राप्त हुई है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन प्राप्त हुई है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में प्राप्त हुई है, तो इसके लिए जितेंद्र जी का मैं धन्यवाद करूँगा। और विद नोल्टीज़ मुझे प्राप्त हुई है, कोई शिकायत नहीं इसमें, और नोल्टी की कंडीशन भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा मुझे स्टैंडी लगाई है। अगर मैं इसको अदर पहले की जो नोवल्टीज़ वगैरह से कंपेयर करूँ तो ये बिग साइज़ की कॉमिक्स को भी देखो पूरा कवर कर रहा है, तो मैं इसको 200 के करीब इसकी मैं एक कॉस्ट मानूंगा, 180 अगर MRP से किया जाए, तो एक अच्छी डील रही मेरी, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है सब कुछ। तो जितेंद्र जी का मैं काफ़ी धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छी कंडीशन में उन्होंने मेरे को ये पहुँचवा दिया, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कोहराम का जो कलेक्टर एडिशन है वो भी अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करें। मैंने उनको कुछ पर्सनल मैसेज भी किए, आज मैंने कल मैंने देखा कि उस कोहराम के जो संग्राहक संस्करण काफ़ी खूबसूरत बना है, उसमें मेरा नाम भी मेंशन हुआ है, जो मैंने और भी काफ़ी फैंस ने डिमांड उठाई थी, पंडित देवर्षि जी का भी नाम है उसमें, कि भाई कोहराम का जो संग्राहक संस्करण था वो सभी एड कवर के साथ में आना चाहिए, आया है वो, तो वो जितेंद्र से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये लिस्ट करें, मैंने उनको मैसेज भी किया है। तो आज वही मैं कर रहा था, एकदम से उनका ये आ गया पार्सल, तो अगर वीडियो को देखें तो जरूर रिप्लाई करें मुझे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, अंत तक बनाने के लिए सपोर्ट के लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। वीडियो थोड़े कम हो रहे हैं मैं जानता हूँ, जून के बाद थोड़ा वीडियो मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा। अंत तक बनाने के लिए सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।